वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक बचे हुए चने से एक रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो आप देख रहे हैं ये जो नवरात्रे पे मैंने प्रसाद बनाया था उसमें से मेरे ये चने बच गए थे, तो इससे मैं यह बनाऊंगी काले चने के कबाब। तो अगर आपके पास ये चने नहीं बचे तो आप इसे नॉर्मल जो चना होता है उसको रात को भिगो दें और उसके बाद उसको उबाल लें, तो उससे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसके बचे हुए से बना रही हूँ। तो जो चने हैं उनको सबसे पहले हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम अच्छे से कर लेंगे मैश, बहुत अच्छे से एक मैशर की हेल्प से, क्योंकि ये गले हुए तो इन्हें मैश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं चने को कर लूंगी मैश, अच्छे से मैश कर लिया है। इसी के साथ इसके अंदर मैं डालूंगी एक उबला हुआ आलू, ये आप देख रहे हैं। आलू को भी मैं अच्छे से मैश कर लूंगी इसके अंदर डाल के। आलू को हमें बहुत अच्छे से मैश करना है, इसमें कोई पीसेस ना हो। इसी के साथ ये देख रहे हैं आप, लिया मैंने प्याज जिसको बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लिया छोटा सा, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसी के साथ लिया है धनिया पत्ती, एक लिए मैंने हरी मिर्च जिसे काट लिया छोटा छोटा धोकर, इसे भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेसन, दो छोटे चम्मच बेसन है, ये चम्मच थोड़ा सा बड़ा है तो ये दो छोटे चम्मच मैं बेसन डाल रही हूँ। इसी के साथ डालूंगी दो छोटे चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से जो है हमारे कबाब है बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं तो आप इसमें बेसन की जो मात्रा वो डबल कर दें। इन्हें अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसके बाद मैं डालूंगी मसाले। तो मसाले हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चने में पहले से ही चने को बना के रखा हुआ था, तो उसमें सारे मसाले डले हुए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। अगर आप वैसे चने डालते हैं, खाली चने उबाल के वैसे बनाते हैं, तो उसमें आप देख लें कि कितना मसाले डलेंगे। इसी के साथ डालूंगी थोड़ी सी मिर्च क्योंकि हमने हरी मिर्च भी इसमें डाली और कुछ पहले से भी डली हुई है। धनिया पाउडर थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी, अमचूर, इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ अमचूर और इसमें चने में मैंने चना मसाला वगैरह पहले से ही डाला हुआ है, तो अब इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो बहुत ही हेल्दी और बढ़िया जो है चना कबाब बनते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो कोई और एक आधी सब्जी भी ऐड कर सकते हैं छोटा छोटा कट करके, बीन्स वगैरह भी। तो मेरे पास यहाँ पे आलू था, प्याज था, मैं वही डालकर इन्हें बना रही हूँ। अब इसे मैं हाथ की हेल्प से मिक्स कर लूंगी अच्छे से। तो आप देख रहे हैं कि जो डो है वो मैंने तैयार कर दिया। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं किया है क्योंकि इसमें जो चने थे उसका भी मॉइस्चर था और आलू भी हमने इसके अंदर डाला है, तो आलू जरूर इसमें डालें, इससे जो कबाब होता है काफी टेस्टी बनता है। और थोड़ा सा प्याज का भी यूज कर लें। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन को डबल क्वांटिटी में डाल लें। तो अब इसमें आप इसको चेक कर लें कि जब हम बनाएं तो ये बिल्कुल ऐसा स्मूथ सा हो जब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो अब मैं इसके बनाऊंगी कबाब। तो आप यहाँ पे कोई भी शेप या किसी भी तरह के ये बना सकते हैं। इधर गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है, उसके अंदर रख दिया मैंने घी गरम होने के लिए। तो अब मैं इसके कबाब, जैसे घी गरम हो जाएगा इनको फ्राई करने, थोड़ी सी लगा ली है चिकनाई और उसके बाद मैं इसे टिक्की की शेप में बना रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो मैं ये जितने भी कबाब है इनको बना लूंगी और इसी के साथ जो घी है वो भी गर्म हो गया है, उसके अंदर इस कबाब को हम कर लेंगे फ्राई। तो ये जो कबाब है बहुत ही हेल्दी है क्योंकि जो चना होता है उसके अंदर प्रोटीन और आयरन बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद हमने कुछ वेजिटेबल का भी इसमें यूज किया है। तो बचे हुए चने का ये बहुत ही बढ़िया यूज है, या वैसे भी चने से जिससे भी चाहे आप इसे बना लें तो ये बहुत ही टेस्टी और स्वाद बनते हैं। तो ये हेल्दी से जो कबाब है इन्हें मैं करूंगी डीप फ्राई। अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे कर लें शैलो फ्राई। तो सारे कबाब बनकर तैयार हैं, अब इन्हें मैं करूंगी फ्राई। तो जिस टाइम हम इन्हें फ्राई करेंगे उस टाइम घी जो है बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो हमारे कबाब फट जाएंगे। और दो मिनट के बाद हम गैस को कर देंगे लो ताकि ये अंदर तक फिर आराम से सिकते रहें। जिस टाइम हम इन्हें फ्राई करें घी बहुत ही गर्म होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो कबाब है वो अच्छे से फ्राई हो गए, इन्हें मैं अब निकाल लूंगी कढ़ाई से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम आप कबाब को कढ़ाई के अंदर डालें जो गैस है घी है अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो जो कबाब है वो फट जाएंगे। कबाब बनकर तैयार हैं। अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे शैलो फ्राई कर लें और इसे हम चाय के साथ या हरी चटनी किसी के भी साथ सर्व करेंगे तो ये बहुत ही स्वाद और टेस्टी लगेंगे। तो चना कबाब बनकर तैयार है, ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने सब्जी का यूज किया और काले चने का यूज किया जिसके अंदर प्रोटीन और बहुत ज्यादा आयरन होता है। तो आप एक बार बचे हुए चने से या वैसे चने से ये कबाब बनाकर देखिए, बहुत ही स्वाद लगते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।